अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। कौन होगा मेयर कराची? फैसला 15 जनवरी को होगा। पीपीपी पीटीआई एमक्यूएम और जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम भरपूर तरीके से जारी। कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली। एमक्यूएम के जो बिखरे हुए धड़े थे वो फिर से मुतहद हो गए। आज उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एमक्यूएम की सियासत के मुस्तकबिल के हवाले से और ख़ासतौर पर बलदियाती इंतखाबात के हवाले से खुलकर बात हुई। और कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान हो सकता है 15 जनवरी के जो इलेक्शन हैं उसका बॉयकॉट करे। फारूक सत्तार साहब की तरफ से ये मशवरा दिया गया। देखना यह है कि क्या ऐलान किया जाता है। कल बड़ा ऐलान हो सकता है 15 जनवरी के जो इलेक्शन हैं उस वाले से। एमक्यूएम ये कह रही है कि ये इलेक्शंस नहीं होने दिए जाएंगे। हालात किस तरफ जाएंगे इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो मुल्की सियासत है और पंजाब की सियासत है, पंजाब में चूँकि पार्लियामान ने एक बार फिर परवेज़ इलाही पर एतमाद का इजहार किया और पीडीएम की जो चाल थी वो नाकाम हुई, क्या वजह बनी और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है उन पर तनकीद का निशाना भी उनको बनाया गया। और ख़ुद मियाँ साहब ने लंदन से जो पैगाम आए उन्होंने भी सूबाई हुकूमत के सूबाई पार्टी जो पंजाब की है उसको तनकीद का निशाना बनाया और उनकी सरजनश भी की मरियम बीबी ने भी। और चूँकि दावे किए जा रहे थे कि पंजाब में अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं और रात को रात गए जो सरप्राइज़ मिला खान साहब की तरफ से उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुस्तकबिल क्या होगा? असम्बलियाँ तहलील होंगी? अगर तहलील होती हैं तो दोनों सूबों में इलेक्शन होंगे या मुल्क का जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा? इस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। और क्या दोबारा से जो पिछले एक डेढ़ महीने में हम देख रहे थे मुज़ाकरात पीडीएम और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं? सदर अलवी सर की तरफ से फिर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और मामला खुश उसलूबी से तय हों, असम्बलियाँ तहलील करने की नौबत ना आए। साथ ही साथ चूँकि माशी सूरत हाल बड़ी मुश्किल से इस वक्त चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया और उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो टल गया आर्जी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान अपने पांव पे कैसे खड़ा हो सकता है उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो मिलकर बैठें और मुस्तकबिल का की सियासत का। और क्योंकि सियासत जो है वो सियासी इस्तकाम आपके या माशी इस्तकाम जो है वो सियासी इस्तकाम से जुड़ा है, उसके लिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें। अब देखना यह है कि 90 दिन में पंजाब में इलेक्शंस होंगे। चौधरी फवाद साहब ये कह रहे हैं असेंबली तहलील होने के वाले से समरी पे दस्तखत कर दिए गए हैं, गवर्नर के पास 2 दिन का टाइम होगा। इस पर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और मुल्की सियासत जो है वो किस तरफ जाएगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अजीम खान काकड़ साहब, सीनियर मरकजी रहनुमा JUIF से। अजीम साहब खुश आमदी कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मज़हब अल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार हैं वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून टेलीफोन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यास साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और डॉक्टर महफूज यार खान सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं और कराची की सियासत से किस तरह देखते हैं, चूँकि माजी में हमने देखा आपके जो पार्टी थी बानी मुत्तहिदा से अलग हुई, उसके बाद 2 धड़े बने, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अलग हुए, PSP बनी, आज इन तमाम धड़ों का इंतमाम हुआ और मुश्तरक तौर पे हमें ये सारे एक स्टेज पे नज़र आए। एक दिन पहले आपने प्रोटेस्ट भी किया कराची के हवाले से और जो 15 जनवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इस पूरे अमल को आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा बज़ाहिर जो तासर मिला आज और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ख़ुद भी कह रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो 15 जनवरी के इलेक्शन से लातअल्लुकी का ऐलान या बायकॉट का ऐलान करने जा रही है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर महफूज यार खान साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? डॉक्टर साहब शायद सुन नहीं पा रहे हमारी और आवाज़, कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन बेहतर हो। मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब बताइएगा, पंजाब में चूँकि बड़ी तब्दीली आई और कहा यह जा रहा था जिस तरह के नंबर्स बताए जा रहे थे, दावा किया जा रहा था खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, हुकूमत के पास नंबर्स नहीं हैं, एक तो इसको ज़रा आइनी तौर पर और इसकी क्या हैसियत है और अब आगे क्या होगा, चैलेंज कर रही है मुस्लिम लीग नून? और दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील होंगी और KP और पंजाब की, और अगर तहलील हो जाती हैं
जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएगा माहौल बनेगा या दोनों जो पंजाब और केपी है उसमें इंतखाबात करवाए जाएंगे? देखें, जो कल की सूरत हाल है वो आपके सामने है जी, और परवेज इलाही साहब ने ज़ाहिर के जो एतमाद का वोट तो ले लिया, 186 वोट उनके पूरे हो गए और मामला जो कोर्ट के अंदर था वो भी आज प्रोसीडिंग का एंड हो गया। शाम को जो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि असेंबली को तोड़ दिया गया, वो एक लेटर जो डिफरेंट चैनल पे चलाया गया जी जी, उस पर 12 जनवरी की डेट जो थी उस पर ओवर राइटिंग थी। ठीक, मेरी समझ में आया कि वो पहले का कोई एडवाइस थी जिसपे डेट उन्होंने अपनी मर्जी से चेंज की या क्या किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद मानसलाई का एक अलग आया तो वो लेटर जो है ना बिल्कुल अलग है, अब उस पर डेट जो है ना ओवर राइटिंग नहीं है। लेकिन अभी तक चीफ मिनिस्टर पंजाब से के दफ्तर से इस टाइप का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें यह कहा गया हो कि परवेज इलाही ने एडवाइस भेजी असेंबली को तोड़ने की। ठीक है, तो जाहिर है कि उसके लिए एक तरीका कार है कि वो एडवाइस जो होती है चीफ मिनिस्टर के पैड पे होती है और राइटिंग में लिखकर भेजते हैं, उसको बाकायदा एक प्रॉपर चैनल से गवर्नर को भेजा जाता है और गवर्नर को जब वो समरी मिल जाती है तो फिर 48 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, यसर आप ये फरमा रहे हैं कि अभी तक आईनी हैसियत में जो इस समरी की जो वैल्यू है वो फिलहाल कुछ नहीं है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से गवर्नर को रिसीव नहीं होती और उसके बाद ही 24 आवर्स का जो टाइम है वो शुरू होगा। बिल्कुल, चूंकि जिन दो आदमियों ने कहा कि एडवाइस भेज दी गई है जी, फवाद चौधरी की कोई कानूनी हैसियत नहीं कि वो कहेंगे जी समरी भेज दी गई है, या मोनसलाई का कोई राइट नहीं बनता जो पाकिस्तान से बाहर कहीं बैठे हुए। ठीक, ये तो जाहिर है चीफ मिनिस्टर रोज से समरी जाएगी और वो समरी जाएगी कि एडवाइस भेज रहा हूँ असेंबली को तोड़ दिया जाए और वो जब गवर्नर उसमें रिसीव हो जाएगी तो फिर जाके मामला आगे बढ़ेगा। ठीक, बिल्कुल जी 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 जी, बिल्कुल दोस्त फरमा रहे डॉक्टर महफूज यार खान साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महफूज साहब आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? क्या रही है जी डॉक्टर साहब, बताइएगा। जो मैंने इंट्रो में भी कहा, और चूंकि कराची की सियासत में बड़ी तब्दीली आई है, मुतहिद हो गए हैं आप सब, लेकिन मुतहिद होने के बाद तो पूरी ताकत के साथ आपको आना चाहिए था, क्या वजह बन रही है कि आपके जो डॉक्टर महफूज यार खान साहब भी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी ये फरमा रहे हैं कि बायकॉट होना चाहिए, तासुर भी यही दिया जा रहा है कि शायद आप 15 जनवरी के इलेक्शन नहीं होने देंगे, तो नौबत इस हद तक आ गई, क्या आपके पास अवामी ताकत नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है, या क्या वजह है कि आप इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन इशू बार बार आ रहा है। डॉक्टर साहब हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। अजीम काकर साहब किस तरह देखते हैं, जिस तरह यासीन साहब से भी बात हो रही थी, आपका पीडीएम का बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, नंबर्स गेम भी, जरदारी साहब वहाँ पे गए, मिशन उन्होंने लाहौर जो है वो उसको टारगेट किया था और कहा भी जा रहा था, दावे भी इसी तरह के आ रहे थे, और जिस तरह परवेज इलाही साहब फरमा रहे थे कि जी हमें गवर्नर ने जो कहा है उसको तो हम उसके सिखाते में ही नहीं लाते, चूँकि हमारा इजलास 42वां इजलास है, लगातार इजलास हो रहा था तो कानूनी हैसियत उसकी नहीं है और इसलिए हम कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो भी नहीं लेंगे। रातों रात क्या हुआ अचानक के, वो शायद पहले से प्लान उन्होंने कर लिया रखा था, आप लोगों की तैयारी नहीं थी, क्यों ये एतमाद का वोट, जिस तरह तहरीक एतमाद में तो आप कामयाब हुए, एतमाद के वोट में नाकामी हुई पी डी एम को? दरअसल सूबा पंजाब के अंदर पीडीएम जिस तरह से पब्लिक को लग रही है, हम खेल नहीं रहे उस तरह से। कोशिश पीडीएम के तमाम जमातों की ये है कि कम से कम ये जो एक भयानक चेहरा है खसूसन तहरीक इंसाफ का, मुस्लिम लीग काफ का, जो ख़ुद बहरान और क्राइसिस पैदा करते हैं और फिर इन्हीं क्राइसिस में और बहरानों में वफाक को इन्वॉल्व करते हैं जी, तो ये जो इनका एक दागदार चेहरा है ये किस तरीके से पब्लिक पर जो है वो आश्कार हो सके। इस मकसद के लिए अगर ये पहल हुई पीडीएम की तरफ से कि हम एक अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, गो के अददी एतबार से इस वक्त बहुत सारे ऐसे अलेक्टेबल्स हैं जो कि उड़ना चाहते हैं
पीपल्स पार्टी के कैंप में ख्वाहिश रखते हैं जाने की, मुस्लिम लीग के कैंप में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर 2022 और 23 के PSDP में जी जो स्कीमात रखी गई थी, जाहिर सी बात है उसकी एग्जीक्यूशन भी होनी है। बीच में सैलाब आया जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ताखीर का शिकार हुए। ठीक, तो अब जाहिर सी बात है वो जो कुछ ऐसे लोग थे जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जाएंगे बाकी कैंप्स में, अच्छा, तो वो रुक गए। और उनके रुकने का एडवांटेज किसे हुआ, फ़ायदा किसने उठाया इसका, वो मुस्लिम लीग काफ ने उठाया। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि चूंकि आटे का एक मसनूई बहरान पंजाब हुकूमत से ये शुरू हुआ, अच्छा, पैदा किया गया, और जाहिर सी बात है इस पर वफाक को जो है वो मलामत ठहराना जो है वो शुरू किया गया। मगर जब वफाक ने बाहर से जाकर इस मसले का ख़ुद हल निकाला और जो माली बहरान है इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाला, और फिर तहरीक इंसाफ के पास अब माँ सिवाय इस ऑप्शन के कि हम अगर एतमाद का वोट ले भी लेते हैं तो हम फिर चले जाएंगे और बाकायदा तौर पर जो है वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप अब जो नोटिफिकेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बात की, जो नोटिफिकेशन सर्कुलेशन में है वो तो मेरा ख्याल से शरारतन फवाद चौधरी ने भेजी होगी। ठीक, और मेरी नाकिस राय ये है कि फवाद चौधरी की पंजाब में चलती नहीं, जलम से वो उम्मीदवार रहे हैं और परवेज इलाही को तंग करने के लिए वो शायद इस तरह के, लेकिन खुद जो मेरी, ठीक, ये आपकी ओपिनियन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन या इनसाइट्स हैं, ये कल का जो पूरा अमल था इसमें फवाद चौधरी साहब का बड़ा अमल दखल था। अगर फवाद चौधरी साहब ना होते तो शायद आप कामयाब हो जाते, और उन्होंने मैनेज किया और कल 186 लोग पूरे किए। बाकी जो शरारतन आप कह रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन असल बात तो ये है ना कि गवर्नर का अगर समरी रिसीव हो गई, वो भेजे कोई भी, ज़ाहिर CM के साइन हैं उसके ऊपर और रिसीव हो गई, तो उसके बाद जिस तरह मैंने यासिन साहब से भी पूछा, तो वो तो टाइम शुरू हो जाएगा फिर, ज़ाहिर उनको उसके ऊपर कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। जो लेटर इस वक्त मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान के आइन का मजाक है, ये पाकिस्तान के कानून का मजाक है, ये इस ओहदे का मजाक है जिस ओहदे पर आज चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और वहाँ की 10 करोड़ आवाम की तजलील के मुतरादिफ़ है कि अगर आप एक सफ़ेद सा ब्लैंक पेपर उठाएं और उसके ऊपर लिखें कि चौधरी परवेज़ इलाही ये डायरेक्टिव्स इशू करते हैं गवर्नर को कि आप जो हैं वो असम्बली तहलील करें, तो ये पाकिस्तान का मजाक बनाने के मुतरादिफ़ हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक, ये पंजाब के 10 और 11 करोड़ आवाम का मजाक, पंजाब तो 8 महीने से मजाक ही बना हुआ है, पिछले 8 महीने में पहले हमजा शहबाज के वाले से, फिर ये परवेज़ इलाही आए, फिर ये, तो मामला पंजाब का तो देखें जो आईनी बुरान खत्म ही नहीं हो रहा। शख्सियत का स्टेटस होता है ना, उन्हें ये समझना चाहिए कि इस वक्त ये चौधरी परवेज़ इलाही नहीं जो पंजाब के किसी एक पिंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं, ठीक है ना, ये वहाँ के चौधरी हैं, ये बुनियादी तौर पे स्टेट की बात है, जो ओहदा इनके पास है, जिस कुर्सी पर आज वो बैठे हैं, जो प्रोटोकॉल्स उन्हें मिल रहे हैं, ये अमानत है, ठीक है, ये रियासत की उनके पास अमानत पड़ी हुई है। अगर ये अमानत ओहदों को, मनसबों को, वज़ीर आला हाउसेस का इस तरह से मजाक बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, मजाक नहीं होना चाहिए। यासीन साहब एक चीज़ और, एक तो जिस तरह काकड़ साहब जिस तरह निशानदेही कर रहे थे और पिछले कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं, आप हमेशा खुल के बात भी करते हैं आपसे भी, कि ये मामला हर बार अदालत में चला जाता है, ज़रा चैलेंज होता है तो मामला अदालत में चला जाता है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी था कि सियासी लीडरान को पार्लियामान में रहते हुए अपने मसले खुद हल करने चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। दूसरा फरमाइएगा, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तैयारी भरपूर नहीं थी, उस पर आज नवाज शरीफ साहब ने भी और मरियम बीबी ने भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया, जो पंजाब की लीडरशिप है कि आप हमें तो बता रहे थे कि नंबर्स पूरे हैं, तैयारी पूरी है, तो क्या वजह बनी कि ना नंबर्स पूरे हुए और ना तैयारी, और ख़ुद मियाँ साहब आप जब PDM की हुकूमत आई थी, तहरीक एतमाद कामयाब हुई थी, उस वक्त भी मियाँ साहब ने यही मशवरा दिया था कि फौरी तौर पे हमें इलेक्शंस में चले जाना चाहिए, हुकूमत नहीं संभालनी चाहिए। अभी भी चूँकि पंजाब में अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप इस हामी हैं इस चीज़ के तहलील हो जाती है अगर असम्बली, तो फौरी इलेक्शन में जाना चाहिए, ना कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएँ, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए। यासिन साहब, से पाकिस्तान की स्टेट को कोई नुकसान पहुंचा? जी जी, नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा? जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जिस तरह दूसरे ममालिक ने पाकिस्तान की मदद की और जो ऐलानात किए, या कल जो सऊदी अरब ने किया और आज मेरे साथ UAE ने किया जो माली मदद का ऐलान किया,
अगर आपके इन दोनों सूबों में असेंबलियां वक्त से पहले डिजॉल्व हो जाती जी, तो पाकिस्तान को माशी सूरतेहाल से और क्राइसिस से निकालने के लिए शायद दूसरे ममालिक आप पे एतमाद नहीं करते। ठीक। वो ऐलान दोनों असेंबलियों के डिजॉल्व होने से पहले कर दिए गए। किसी हद तक पाकिस्तान की जो माशी सूरतेहाल काफी तबाहकुन थी उसको वो किसी हद तक सहारा मिलेगा। और आज आपने देखा होगा ये कि यूएई ने भी अपना कर्जा मुखर कर दिया और $1 अरब का उसने ऐलान किया देने का। जी जी। सऊदी अरब ने भी किया ये सारा है। यहाँ मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बात कहता हूँ। जी जी। कि मुझे अफसोस ये है कि हम जानबूझ करके पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक। ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान माशी तौर पर तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़ा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम 10 किलो आटे के लिए अपनी जाने तक दे रहे हैं। आज भी एक आदमी की डेथ हुई, इससे पहले भी डेथ हो गई, हमें इन चीजों की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल। और हमने हर चीज को मजाक बना लिया। सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट जो थी वो अपनी मुदत अगस्त में पूरी कर रही है, आज जनवरी का सेकंड वीक समझे खत्म हो रहा है, और 6-7 महीने के अंदर वैसे भी केयर टेकर गवर्नमेंट बननी थी और इस मुल्क में इलेक्शन होने थे। अब अगर सपोज खत कर लिया जाए कि पंजाब असम्बली भी टूट जाती है और केपीके की भी असम्बली टूट जाती है, तो उसके लिए आपको एक केयर टेकर सिस्टम जो है सेटअप लाना होगा। वो पंजाब में लाना पड़ेगा, केपीके में लाना पड़ेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलकर आपको चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर आप बाद में इत्तेफाक से इस मामले को क्लियर नहीं कर सकते तो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस आदमी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर बनाता है वो किसी को पता नहीं है। ये तो आने वाला वक्त जी यस सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये प्रैक्टिस जो है वो अल्टीमेटली नुकसान मुल्क पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान का है, और इस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जो अलवी साहब ने की कोशिशें अभी आखिरी इतलात तक आ रही हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामला असम्बलियों की तहलील की तरफ ना जाए, देखते हैं कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। ब्रेक से पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर मफिया खान साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब माजरत, आप की आवाज़ हमें सुनाई नहीं दे रही थी इससे पहले। आज इंजमाम हुआ आपका, और ज़ाहिर एमक्यूएम के जो धड़े थे पिछले कई सालों से अलग अलग सियासत कर रहे थे, अब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। 15 जनवरी को इलेक्शंस हैं, कराची के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स के दावेदार हैं आप, लेकिन क्या वजह है कि आप 15 जनवरी का इलेक्शन लड़ने के बजाय उसका बाइकआउट कर रहे हैं? हल्का बंदियों का इशू ज़ाहिर बहुत पुराना है, उसके हवाले से भी बात होती रही। हल्का बंदियों का इशू ये जो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया किमाड़ी जी, और उसके बाद से ये शुरू हुआ। आपने जेरीमैंडरिंग करके जो हलके जो हैं, हमारा हलका जो है वो तो 80-90 हजार पे रहता है, और इनके किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में और जगहों पर इनके हलके 20-25 हजार के दरमियान आ रहे हैं। तो हमारा एक हलका और इनके 3 हलके से लोग मुंतखब होकर आएंगे जी, तो ये प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है, जिसके लिए मुत्तहदा क़ौम-ए-मुमिन पाकिस्तान अदालतों में दी गई और वैसे भी डिमांड की इलेक्शन कमीशन के सामने कल हमने मुजाहरे भी किया था। ये हमारी इस वक्त मुत्तहदा क़ौम-ए-मुमिन की बड़ी खुशकस्मती है और खुशनसीबी है कि आज जैसे हालात में फारूक सत्तार भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपनी जमातों को आके मुत्तहदा में जम कर दिया, इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती है। और इलेक्शन का जहां तक वास्ता है डॉक्टर साहब, ये खुशखबरी आपके लिए तो हो सकती है, आपकी राबता कमेटी, आपके जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो हो सकती है, कराची वालों के लिए तो नहीं है? वो ये कहते हैं कराची वालों के लिए ही यही है डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो 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 बानी के, जो नजरिए के और जो तहरीक के नहीं हो सके वो हमारा क्या ख्याल रखेंगे, ये कराची वालों का सवाल है। ये कराची वालों के तो सवाल आप उठते रहते हैं, हम उसका पहले कहते थे कि ये टुकड़ियों में बटे हुए हैं, अल्लाह ने आज सबको इकट्ठा कर दिया है, आने वाले हालात में हम इनके मियाद में पूरे उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला कराची को सर्व करके दिखाएंगे और कराची के जो मसले हैं उनको हल करेंगे। यहाँ पर जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो मुत्तहदा क़ौम-ए-मुमिन पाकिस्तान के दिए हुए हैं, वो सर्कुलर रेलवे की शक्ल में हो या
मास ट्रांजिट हो या के फोर हो, और इंशाल्लाह ताला जब इन मंसूबों पे अमल दरामद होगा, और आज भी जो वाटर बोर्ड में जो रेफरेंडम हुआ है उसमें भी हमारी जमात के ही लोग जीत गए हैं। ठीक डॉक्टर साहब, जिस तरह रेफरेंडम का आप बता रहे हैं, जिस तरह आप अपनी ताकत का बता रहे हैं, तो हल्का बंदियां जाहिर है ये इशू है, जमात इस्लामी इसके ऊपर बात कर रही है, पीटीआई इसके ऊपर बात कर रही है, आपके भी तहफ़ात हैं, अफाक अहमद साहब के भी तहफ़ात हैं, सब जमातों के तहफ़ात बिल्कुल जायज़ हैं, और सारी जमातें ये भी कह रही हैं कि एमक्यूएम जो बात कर रही है वो बिल्कुल जायज़ बात कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि आपका आपके पास मैंडेट होने के बावजूद आप 15 जनवरी को इलेक्शन में आएँ और इतने वोट आपको पड़े हैं कि आप जो आपके खिलाफ साजिश हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बकौल आपके कि वो साजिश करिए उसको नाकाम बनाए ना? क्यों तय कर लिया है जी, अभी से ये आपने क्यों तय कर लिया है कि हम जो है वो इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए तय कर लिया, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप खुद आपके लीडरान ये बात कह रहे हैं 15 जनवरी को हम इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बात फरमा रहे हैं, डॉक्टर महफूज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं। इसका फैसला राबता कमेटी करेगी कल, राबता कमेटी करेगी या कोई और करेगा? खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो ऐलान किया है उसके दाजगी रखने की बात होगी, इसके अलावा जो बाकी जो दोस्त हमारे साथ आए हैं उनको भी मुत्तहिद और मुनज़्ज़म करकर इंतखाबात का जायजा लिया जाएगा, और अगर मुनासिब समझेंगे तो इन इलेक्शंस के बारे में कोई मुस्बत फैसला करेंगे। आप हाथ पांव बांधकर अखाड़े में अगर फेंक देंगे तो दूसरा तो लड़ने का काबिल ही नहीं होगा। ये पेज पोर्ट रिगिंग के बारे में हमने मुख्तलिफ पिटीशन भी फाइल की, और सेंसस के बारे में तो मर्दम शुमारी से बहुत पहले फारूक सत्तार भाई के दस्तखतों से ये एक पिटीशन फाइल की जब तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। डॉक्टर साहब ठीक है, ये बात तो हो गई, और जिस तरह सारे धड़े एक हो गए हैं, खुशी आप कह रहे हैं कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो बानी के साथ लंदन में कोई रुजू होने का मामला भी है कि आप सारे फिर उन वापस उस तरफ रुजू कर लें, अब चूंकि उनके बगैर तो आप यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? ये शरई मसला है रुजू करने का, हम पहले मुफ्तियान से फतवा लेंगे फिर आपको जवाब दे सकेंगे। तो सर मुफ्तियान कहाँ बैठे हुए हैं, वो इधर कराची में ही है या इस्लामाबाद पिंडी में? मुफ्तियान तो इसी शहर में रहते हैं सारे, शहर वाले तो नहीं नजर आ रहे? आजम और मुफ्तियान सब इसी शहर में है, शहर वालों भी जारी करते हैं। डॉक्टर साहब शहर वालों के कहने पे तो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो जिनके कहने पे हुआ उन्हीं के कहने पे रुजू भी किया जाएगा? वही, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि किसके कहने पे हुआ, हम तो ये जानते हैं कि हम फील्ड के वर्कर हैं, हम आम आदमी से रब्ता कर अपना वोट बैंक बनाते हैं, और पार्टी जब हुक्म देती है जहाँ से हुक्म देती है इलेक्शन लड़ लेते हैं, और उसमें अल्लाह ताला बाज़ जगह कामयाबी भी अता फरमाता है। 15 के इलेक्शन को भी इसी अंदाज से देख रहे हैं, और कल इस बारे में हतमी फैसला किया जाएगा, मेरी जाती राय की अभी कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी जो दानिशमंदानी है और सीनियरिटी है उसकी बड़ी अहमियत है, और जाते जाते हमें कोई ख़बर दे दें कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला पे तो आपने छोड़ दिया मामला, ज़मीनी खुदा जो हैं उनका क्या फैसला है? देखिए ज़मीनी खुदाओं ने ही के इन मामला को आगे बढ़ाया है, और वो पीटीआई की जो ताकत थी जो बन गई थी वो अब ढेर होती नज़र आ रही है। ये इज्जत जो डॉ बुझ रही थी आखिरी इन्होंने अपना एक भड़काई है, और मुस्लिम लीग जो है जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है और इत्तेहाद की शरीक भी है, उसको जिस दानिशमंदी के साथ उन्होंने अपना खेल खेला है, अब गोट की ये जो गेंद है वो इमरान खान के कोर्ट में चली गई है, वो सूबे सरहद की और पंजाब की असम्बलियों को तहलील करें, इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वोटर जो है वो मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है, इन्होंने जो 4 साल में हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचा जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि आप आपके पास वोटर्स नहीं है कराची में, और ये आप बात आप भी जानते हैं, आप भी जा रहे हैं ये तो आप इलेक्शन ये तो जब तो फिर फैसला उन्हें देना, हमने देखा है टर्न आउट 10% से भी ज्यादा नहीं रहा, भाई काट हमेशा जीता है 2%। अरे मेरी बात समझे, टर्न आउट 2% होगा उसमें भी हम ही जीतेंगे,
100% होगा उस पर भी हम जीतेंगे, आप बेफिक्र हो जाए। लोग जो है तो ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा सर, तो 15 को आ जाए इलेक्शन में, वो तो पार्टी फैसला करेगी। अब तो और भी दो साथी आ गए, सब मिलकर फैसला करेंगे कि आया वोट पे आना है, वोट पे आना है या रोड पे आना है, रोड जो फैसला होगा उसमें हम शरीक होंगे। चले वक्त बताएगा, हालात तो यही बता रहे हैं कि शायद मामला रोड पे ही रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महफूज़ खान साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि किस तरह एमक्यूएम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ज़मीनी हकाई कुछ और है, इस पर फर्दर किसी प्रोग्राम में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बाकी पैनलिस्ट हमारे साथ बदस्तूर रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी लेंगे ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।